अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एम्स उसके चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस वीडियो में आपके साथ जो पेपर हुआ है लेट का लॉ एडमिशन टेस्ट का 20 नवंबर 2022 को, तो कंप्लीट सॉल्व पेपर इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बरवक्त पहुँचती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के दारुल हुकूमत का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है रियाद। नेक्स्ट सेंस क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूएनओ, यूएनओ के टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 193। नेक्स्ट सेंस व्हाट इज द कलर ऑफ यूएन फ्लैग, यूनाइटेड नेशन का जो झंडा है उसके कितने रंग हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लू एंड वाइट। नेक्स्ट सेंस क्या है, ये पाउंड करेंसी सिंबल ऑफ, ये किस करेंसी का सिंबल है, तो इसका करेक्ट आंसर है पाउंड का सिंबल है। नेक्स्ट सेंस क्या है, कोलंबो इज द कमर्शियल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ, कोलंबो जो है ये कमर्शियल और सबसे बड़ा सिटी किस मुल्क का है, तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका का। नेक्स्ट सेंस क्या है, हु इज ओनली सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, पाकिस्तान के कौन सिर्फ एक गुजरे हैं जो सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, तो वो कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है जुल्फिकार अली भुट्टो। नेक्स्ट सेंस क्या है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन हॉकी टीम, हॉकी की टीम में कितने प्लेयर्स खेलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 11। नेक्स्ट सेंस क्या है, विच एशियन कंट्री विल होस्ट 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप, 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, वो कौन सा एशिया कंट्री होस्ट कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट सेंस क्या है, द कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल के दारुल हुकूमत का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है काठमांडू। नेक्स्ट सेंस, कल्ली एंटोनम इज, कल्ली का एंटोनम उलट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेट, जो सीधे होते हैं कल्ली जो राउंड राउंड मुड़े होते हैं। नेक्स्ट सेंस क्या है, टर्म एंड टेन्योर ऑफ सेनेट, मेंबरशिप आर डैश ईयर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सेनेट का कितना टेन्योर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 ईयर्स का। नेक्स्ट सेंस क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पहला अहम रुकन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है तौहीद। नेक्स्ट सेंस क्या है, लैक्टोमीटर इज यूज्ड फॉर, लैक्टोमीटर किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए। नेक्स्ट सेंस क्या है, हु एंडेड खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट किन्होंने ख़त्म की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है मुस्तफ़ा अततुर्क कमाल ने। नेक्स्ट सेंस क्या है, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट सेंस क्या है, द इंडियन काउंसिल एक्ट मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जिसको कहा जाता है, वॉज इनएक्टेड इन टू लॉ इन, कब इनेक्टेड किया गया था लॉ में, तो इसका करेक्ट आंसर है 1909 में। नेक्स्ट सेंस क्या है, आई एल ओ स्टैंड फॉर, आई एल ओ से क्या मफूम बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट सेंस क्या है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात, ज़कात का लफ्जी मतलब क्या है, या तो इसका करेक्ट आंसर है प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट सेंस क्या है, हाउ मच इज ज़कात ऑन सेविंग अमाउंट 80,000 इन वन ईयर, अगर 80,000 एक साल में आपके साथ पड़ा है तो उस पर कितनी ज़कात लागू होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2,000। नेक्स्ट सेंस क्या है, व्हेन सेनेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP वाज इनोग्रेटेड, कब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट सेंस क्या है, एहराम कंसिस्ट ऑफ क्लॉथेज, एहराम जो होता है ये कितने कपड़ों का जो पीसेस होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 पीसेस का एहराम होता है। नेक्स्ट सेंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, कौन सा जो है वो नहीं है गवर्नमेंट का ऑर्गन, तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट सेंस क्या है, हाउ मेनी मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का मेन ऑर्गन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 जो हैं वो टोटल मेन ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट सेंस क्या है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा बरियाजम एरिया के लिहाज से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है एशिया। नेक्स्ट सेंस क्या है, विच एंजल इज अपॉइंटेड प्रोवाइडिंग फॉर रेन एंड फूड, जो बारिश और खुराक का जो
फरिश्ता है, अल्लाह ताला ने किसको अपॉइंट किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट है लियोन मेसी इज अ फेमस प्लेयर ऑफ। लियोन मेसी जो है ये किस चीज के मशहूर प्लेयर हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल के। नेक्स्ट है ट्रिटमीर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। जो ट्रिटमीर है ये किस माउंटेन रेंज पे मौजूद है, जिसका करेक्ट आंसर है हिंदू कश के। नेक्स्ट है द लास्ट रिवील्ड डिवाइन बुक। आखिरी अल्लाह ताला ने कौन सी किताब नाजिल फरमाई, तो इसका करेक्ट आंसर है कुरान पाक। नेक्स्ट है और इसमें ऐसे जो था आपका जो वो था मोबाइल फोन्स मेरिट्स एंड डीमेरिट। मोबाइल फ़ोन के जो फ़ायदे और नुकसान आपने बताने थे, और ये जो लेट के पेपर 20 नवंबर 2022 को आया है। इसके अलावा आप लोगों का जो पर्सनल स्टेटमेंट थी, पर्सनल स्टेटमेंट मेरी ज़िंदगी का मकसद, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, तो ये आप लोगों ने स्टेटमेंट अपने से लिखनी थी, और ये उर्दू में लिखनी थी, जबकि ऐसे जो था वो इंग्लिश में लिखना था। ये भी 20 नवंबर 2022 को लेट के पेपर में आया है। तो इस तरह के जो पेपर्स हैं वो आप तक हम प्रोवाइड करते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी अपडेट आती हैं या जो भी पेपर आते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।